सुबह की सपाट शुरुआत के लगभग एक घंटे बाद शेयर बाजार में गिरावट आ गई। सेंसेक्स में 10:08 पर 707.30 अंक यानी कि 0.86% की गिरावट के बाद 81,493.85 पर ट्रेंड कर रहा था। बीएसई सेंसेक्स आज 81,484 तक का डे लो यानी कि दिन का निचला स्तर देखा गया। एनएसई का निफ्टी 201.75 अंकों या 0.80% की गिरावट के बाद 24,943 पर आ गया है। सुबह 10:30 में सेंसेक्स की शुरुआत तेजी गायब हो गई और ये 701.61 अंक या 0.86% गिरकर 81,496 तक आ गया था, यानी कि इसमें 82,000 का लेवल तोड़ा है और ये 82,000 के नीचे फिसला है। सेंसेक्स के 30 में से केवल 5 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 25 शेयरों में गिरावट का असर देखा जा रहा है और ये शेयर लाल निशान में देखा जा रहा है। अब आगे बता दें कि कैसी रही बाजार की ओपनिंग। तो बीएसई का सेंसेक्स 30.08 अंक गिरकर 82,171 पर खुला, जबकि एनएसई का निफ्टी 51.40 अंक या 0.20% की गिरावट के साथ 25,093 की लेवल पर खुला। बैंक निफ्टी में 51,200 के लेवल पर शुरुआत हुई। आगे बता दें कि शेयर बाजार की ओपनिंग मिनटों में क्या था ट्रेंड, अब इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। शेयर बाजार की शुरुआत में आज ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। शेयर बाजार की शुरुआत के साथ ही आईटी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा बैंक शेयरों में भी हलचल देखी जा रही है। ओपनिंग मिनटों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS जैसे दिग्गज शेयरों में तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। SBI के शेयरों में कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। आगे बता दें कि कैसा है निफ्टी का कारोबार। तो NSE निफ्टी आज 233.70 अंक या 0.93% की गिरावट के साथ 24,911.40 के लेवल पर आ गया है। इसके 50 में से 48 शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। एनएसई में 5 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी ने 25,000 का लेवल तोड़ा है और आज ये दिन का उच्च स्तर 25,168.75 तक देखा गया था। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।